सागर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं रविंद्र नायक। आइए देखते हैं दो मिनट में दर्जन खबरें। पीएम मोदी मुंबई वासियों को देंगे दूसरे एयरपोर्ट की सौगात। उत्तर मुंबई वार्ड 31 के नगर सेवक कमलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर रखा गया मुशायरा, जिसमें प्रमुख शायर मंजल भोपारी ने की शिरकत। पीएनबी स्कैम मामले में सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर शिकंजा कसते हुए मुंबई के एसीबीडी ब्रैंडी हाउस ब्रांच को सील कर दिया। मुंबई से मुक्त कराए गए 48 बच्चे, करते थे भीख मांगने और बाल मजदूरी का काम। कोशिला पुलिस ने डांस बार पर छापा मारा, जहां 16 युवा महिलाओं को एक बंद कमरे में रखा गया था। बार ओनर के पास ऑर्केस्ट्रा बार का लाइसेंस होने के बावजूद डांस बार चला रहा था। घरेलू उड़ानों में इंडिगो अव्वल नंबर पर। भूषण पावर एंड स्टील को खरीदने की दौड़ में टाटा स्टील आगे निकल गई है। भूषण को कर्ज देने वाले बैंकों ने फैसला किया है कि वे आगे की बातचीत के लिए सिर्फ टाटा स्टील के 24,500 करोड़ के ऑफर पर ही विचार करेंगे। नहीं रुका नीरव मोदी का बिजनेस, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी विदेश में खोले 2 ज्वेलरी स्टोर्स। मुंबई उच्च न्यायालय ने बीएमसी को लताड़ते हुए कहा कि कमला मिल परिसर में कायदे कानूनों का जो उल्लंघन हुआ है वह बीएमसी अधिकारियों की मिलीभगत से ही। सोनी नेटवर्क करेगा महिला क्रिकेट टीम के 3 T20 मैच का प्रसारण। विजय हजारे ट्रॉफी में नॉकआउट मुकाबले के लिए अंडर 19 टीम के कैप्टन पृथ्वी शॉ मुंबई टीम में शामिल। लड़के से बना लड़की, जीता पहली मिस इंडिया ट्रांस क्वीन का खिताब। अब निताशा बिस्वास थाईलैंड में होने वाले मिस इंटरनेशनल क्वीन में भारत को रिप्रेजेंट करेगी।